कुंभकर्णी नींद में ये सरकार ये सोई हुई है। देवेंद्र फडणवीस जो हमारे गृह मंत्री है वो अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा तो कौन पूरा करेगा? तो ये सरकार या तो नकम्मी है या हमारे मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री चलाते हैं उनकी भी कहीं नाकामी है। मुंबई जाके डीजी से मिले, हमारी इतनी औकात होती तो हम होमगार्ड भर्ती क्यों देते? यहाँ एक तरफ बेरोजगारी है, नौकरियाँ मुँह के पास है बट वहाँ से भी छीनी जाती है। कि हम देख रहे हैं कि हम चार दिन से ऐसे उपास से घूम रहे हैं और सरकार अपनी मस्ती से खा पी रही है, हम क्यों माने कि मोदी जो आश्वासन पूरे कर रहे हैं? हम लोग जिस धरती के ऊपर में हम लोगों ने मेहनत की हुई है उसी धरती के ऊपर में सर पटक पटक कर हम लोग अपना आत्मदहन हम करने वाले। ये जो सरकार जो है ये सरकार पूरी तरीके से कुंभकर्णी नींद में ये सरकार ये सोई हुई है, क्योंकि ये सरकार जो है सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है सम्माननीय हमारे नागपुर शहर के गृह खाता की उन्हीं की तरफ है, गृह मंत्री वो खुद है और उन्हीं के अंतर्गत ये होमगार्ड आता है। आज पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में 35 जिलों में से 34 जिलों में भर्ती प्रक्रिया ओके हो गई, पात्र हो गए उम्मीदवार, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन खुद सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब के जिले में और सम्माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब के जिले में आज 1238 पात्र उम्मीदवार, जो 2500 पात्र जो उम्मीदवार थे इन्होंने ट्रेनिंग दी 13 मार्च को ट्रेनिंग देने के बाद में ये लोग पात्र हुए। वहाँ पर जिला समादेशक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो रहते उनकी साइन रहती और जो खुद ट्रेनिंग देता है जो भर्ती प्रक्रिया जो देता है उनकी खुद की साइन रहती, यानी इन लोगों को खुद को मालूम पड़ जाता उम्मीदवारों को कि ये पात्र होने वाले हैं या अपात्र होने वाले हैं आने वाले एक महीने के बाद की लिस्ट में। लेकिन नागपुर शहर में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में यहाँ पर एक महीने के बाद में लिस्ट जारी हुई नहीं, यहाँ पर 5.5 महीने के बाद में लिस्ट यहाँ पर जारी हुई और लिस्ट 5.5 महीने के बाद में यानी 5 अगस्त को लिस्ट जारी होने के बाद में 27 अगस्त को जिला समादेशक, हमें ऐसा लगता है हमें पहाड़ से पता लगा, सूत्रों से पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई देवेंद्र काटोलकर है वो जिला समादेशक थे, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट थे। हम यहाँ पर कांग्रेस भाजपा बीएसपी शिवसेना और मन से वंचित आघाड़ी करने के लिए यहाँ पर खड़े नहीं है, सिर्फ यहाँ ये होमगार्ड उम्मीदवारों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हमारा कई दिनों से इनके साथ में संघर्ष जारी है कि नहीं है? जारी है कि नहीं है? तो इसलिए यह जो पात्र उम्मीदवार जो थे पात्र उम्मीदवारों को 27 अगस्त को जो सम्माननीय देवेंद्र काटोलकर जी जो थे उन्होंने खुद का राजीनामा दे दिया। अब राजीनामा यानी सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब का शहर है, उन्होंने कहा होगा कि भैया राजीनामा दे दे, कुछ ना कुछ इसमें अपराध भरी हुई है। 28 अगस्त को सम्माननीय मोनिका राउत मैडम अपर अधीक्षक जो है पुलिस ग्रामीण की, उनको इनका डीजी होमगार्ड बनाया गया, जिला समादेशक बनाया गया, उनसे सभी मिलने गए और उनका मिलने जाने के बाद में रवैया क्या था, क्या बोलना था? मुंबई जाके डीजी से मिले, हमारी इतनी औकात होती तो हम होमगार्ड भर्ती क्यों देते? और वो मैडम बोलती है कि मैं ये प्रक्रिया डबल से लूंगी, वो डबल से लेंगी और हम पात्र उम्मीदवारों का जब क्या होगा कि वो डबल से लेंगी। आज ये जो है ये दीदी की उम्र हो गई, ये भैया की उम्र हो गई, जो 1238 जो पात्र उम्मीदवार है उनमें से करीब 700 लोगों की उम्र हो गई है और उम्र होने के बाद में फिर भर्ती प्रक्रिया देंगे क्यों? आज अगर मुझे पता है कि ये बच्चे, अगर समझ लो ये बच्चों को खुद को पता है कि जिला मुख्यालय में, जिला ग्रामीण मुख्यालय में सम्माननीय जिलाधिकारी साहब ने जब आचार संहिता थी, भले ही आचार संहिता रहने के बाद में उल्लंघन करते हुए भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर की, लेकिन सम्माननीय जिलाधिकारी जी ने अच्छा निर्णय लिया कि इनकी भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर 13 मार्च को ली थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया लेने के बाद में इनको खुद को मालूम पड़ जाता क्योंकि डीजी उसमें जिला समादेशक की साइन रहती, जब ये लोग दौड़ते, जब ये लोग गोला फेंकते इनकी खुद की साइन रहती, तो इनको पता रहता कि इनको गुण कितने मिलने वाले, तो इनको आज नागपुर शहर में देखा जाए तो ऋषिबाग मैदान, चिटनीस पार्क, कस्तूजन पार्क, कोई भी मैदान जो है आज खिलाड़ियों को दौड़ने के लिए, भागने के लिए, गोला फेंक के लिए उपलब्ध नहीं है। तो भर्ती देने कहाँ पर वाले, मेहनत कहाँ पर करने वाले, वर्जिश कहाँ पर करने वाले, एक्सरसाइज कहाँ पर करने वाले, उसके बाद में फिर से बोल रहे कि नहीं आपकी फिर भर्ती की प्रक्रिया आम्ही 7 दिवसांमध्ये आम्ही ऑर्डर काढणार आहोत। तो 7 दिवसांमध्ये जर तुम्ही ऑर्डर जर काढान तो ये बच्चों का कहना है कि इस प्रकार का अन्याय सहन करने से अच्छा है हम लोगों ने जो जमीन के ऊपर में हम लोगों ने वर्जिश कर हमने मेहनत करके हम लोगों ने एक्सरसाइज करके जो हम लोगों ने जो भर्ती प्रक्रिया हमने पात्र कर हम जो पात्र उम्मीदवार जो ठहराए गए थे उसी धरती के ऊपर में हम अपना सर पटक पटक कर, यह गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का शहर है, सम्माननीय केंद्रीय मंत्री जी का शहर है और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का यह शहर है, छत्रपति शिवाजी महाराज का शहर है, ताजुद्दीन बाबा का यह शहर है, यही संविधान चौक पर संविधान के जो निर्माता जो है उन्हीं के प्रतिमा के सामने जिस धरती के ऊपर में हम लोगों ने मेहनत की थी उसी धरती के ऊपर में अपना सर पटक पटक कर ये आत्मत्याग करने के लिए ये लोग तैयार है। तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर में यहाँ पर निर्णय लेना चाहिए। डीजी होमगार्ड जी मैडम का अपना
जिला समादेशक मैडम जो एसपी अपर अधीक्षक पुलिस ग्रामीण, उनका कहना है कि आप डीजी होमगार्ड उनसे मिलने जाओ। उनके निर्देश है कि आप लोगों को जो है वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द करके आपको फिर से फेर भर्ती देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी विनंती है सरकार से कि आप हमारी और इनकी माए बाप सरकार है, आप इनके ऊपर में अन्याय इस प्रकार से होने मत दीजिए। 35 जिलों में से 34 जिलों में आपने पात्रता आपने ठहरा दी, आपने वहाँ पर ट्रेनिंग ठहरा दी सिर्फ, और सूत्रों से भी हमें ये पता लगा हुआ है, सूत्रों से हमें पता लगा हुआ है। उस दिन अगर देखा जाए तो यूथ कांग्रेस के माध्यम से कुछ हमारे सम्माननीय साथियों ने, उन्होंने जो है जो देवेंद्र काटोलकर जिन्होंने इनको कहना था कि उन्होंने कहीं ना कहीं पर घोल उन्होंने किया हुआ है, तो उनका पोले के दिन उनका बढ़िया निकाला हुआ था कि घिउन जा रहे मार्फत अशा पद्धति ने काम म्हणते पात्र उमेदवाराला त्याच्यात घोळ करून जर अपात्र जर ही सरकार जर ठरवत असेल तर अशा पद्धतीने ते काटोलकर आहे त्यांना घेऊन जाणार मार्फत युवक काँग्रेसच्या माध्यम से वहां पर आंदोलन किया गया था और उनका एक रैली निकाली गई थी, मोर्चा निषेध मोर्चा निकाला गया था। सन्माननीय गडकरी जी से हम मिलने के लिए गए, सन्माननीय गडकरी जी ने वहां पर, क्योंकि ये आज नागपुर के मतदाता है, नागपुर ग्रामीण के मतदाता है, वहां के ये माए बाप है गडकरी जी, तो उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने सकारात्मक भूमिका अपनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखता हूँ और उनको कहता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द निर्णय ले। लेकिन वहाँ पर देवेंद्र काटोलकर जी आए और देवेंद्र काटोलकर जी ने इन बच्चों के सामने सबके सामने कहा कि मुख्यमंत्री जी और डीजी होमगार्ड महासमादेशक जो है महाराष्ट्र के, उनका आपस में जमता नहीं है, उनके आपस में फाटाफूट है, तो उनके आपस की फाटाफूट के चक्कर में ये बच्चों का नुकसान होना चाहिए क्या? सन्माननीय मुख्यमंत्री जी को विनंती है कि ये बच्चों के साथ में घोर अन्याय ना करें, इनके साथ में न्याय करें। आपका जो भी डीजी होमगार्ड के साथ में जो होगा तो आप उनके साथ में अपने संबंध अच्छे करें और डीजी होमगार्ड जी को समझाए कि ये पात्र उम्मीदवार है और सन्माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही के शहर के उम्मीदवार है, तो इनके साथ में इस प्रकार से अन्याय ना करें। क्योंकि ये बच्चों ने खुद ने कहा, ये चार दिन पाँच दिन से बच्चे पिछले पाँच दिन से कर रहे हैं कि भैया हम लोग जिस धरती के ऊपर में हम लोगों ने मेहनत की हुई है उसी धरती के ऊपर में सर पटक पटक कर हम लोग अपना आत्मदहन हम करने वाले हैं। हमने मध्य प्रदेश में भी व्यापम स्कैम जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उसमें भी देखा गया है, ये यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। तो ये सरकार या तो नाकामी है या हमारे मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री चलाते हैं उनकी भी कई नाकामी है, पर उसकी वजह से आज एक तो नौकरियां मिल नहीं रही, बेरोजगारी है, और जहां आज हज़ार के करीब नौकरियां मिल रही है वो अगर आगे डालेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। इनका पूरा जो फोकस है वो सिर्फ इलेक्टोरल पर है, मार्केटिंग पर है, अच्छी अच्छी चीज़ें हर 15 दिन में एक नई न्यूज़ आ जाती है और जो ध्यान बटाने का काम है वो हो रहा है, और यहाँ एक तरफ बेरोजगारी है, नौकरियाँ मुँह के पास है बट वहाँ से भी छीनी जाती है। तो ये बहुत दुर्दयनीय ऐसी बात है कि मुख्यमंत्री के जिले में, नितिन गडकरी के जिले में गृह मंत्री जहाँ है उस जिले में भी आ रहा है, बाकी सारे 34 जिलों में ट्रेनिंग चालू हो गई बच्चों की। तो बहुत बड़ी नाइंसाफी, और इस नाइंसाफी को हम सब लोग आगे ले जाएंगे।